स्पष्ट है कि अगर उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम लागू है और उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई, अब चूंकि योगी जी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है, वो जरूर होगी और कठोर होगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इतना मुस्तैद है कि कोई इस प्रकार का दुस्साहस भी नहीं करेगा। ये योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बकरीद का शुभकामना संदेश है, जिसका मकसद ये संदेश देना है कि बकरीद मनाइए, हर्षोल्लास के साथ मनाइए, बकरों की बलि चढ़ाइए। योगी सरकार को कोई एतराज नहीं, लेकिन गाय को हाथ लगाया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी त्यौहार है अपना, वो त्यौहार मनावे, उस हिसाब से मनावे जो एक मर्यादा के अनुकूल होता है, हमारी शुभकामना है, लेकिन गाय की गर्दन पर खंजर बर्दाश्त नहीं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ये चेतावनी तब आई है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए, बकरीद पर कहीं भी जानवर खुले में न काटे जाएं, कहीं पर भी मांस के टुकड़ों या खून को नालियों में न बहाया जाए। बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी की इजाजत सिर्फ निर्धारित जगहों पर दी जाए, खासकर मिली जुली आबादी वाली जगहों पर सार्वजनिक तौर से जानवर काटते पाए गए तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। प्रतिबंधित पशुओं या गोवंश की कुर्बानी के संबंध में विशेष सतर्कता बरतते हुए इन्हें रोका जाए। योगी सरकार का कहना है कि ये निर्देश बकरीद पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। योगी सरकार की तरफ से बकरीद पर जारी निर्देशों के पीछे सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का मकसद बताया गया है, लेकिन योगी सरकार के विरोधी इसके पीछे कुछ और ही मकसद ढूंढ रहे हैं। ये लोग बेचारे जो है गवर्नेंस करने में नाकाम साबित हुए, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। हापुर में ओपनली कासिम को मार दिया गया, उसके ऊपर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? हम मुख्यमंत्री से ही कहेंगे कि आपकी जो संविधान के तहत जो जिम्मेदारी उसको निभाइए। आप चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश हैं, आप योगी होंगे किसी और जगह के, आप चीफ मिनिस्टर बनकर जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर आपने ओत लिया उन जिम्मेदारियों को निभाइए। ये छोड़ दीजिए इन मसलों को, आप ये मसले आपके उसमें नहीं आते। देखिए, शायद उनकी जब वो मठ में थे तो ऐसा होता होगा, क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश में या कहीं होता नहीं था कि गाय की कुर्बानी दी जाती थी या प्रतिबंधित पशुओं को काटा जाता था। योगी जी के साथ कठिनाई ये है कि वो एक अपनी सपनों की दुनिया में रहते हैं, जहाँ जो वो कहते हैं और जो सोचते हैं वही सच है, उनकी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री अब उनको नहीं रहना चाहिए, मठ वापस चले जाना चाहिए। और इस तरह के आदेशों से मुझे लगता है कि आप एक इतनी संवेदनशील चीज को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल भी बनाने की कोशिश करते हैं। बकरीद पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि सरकार ने अपने आदेश में ये नहीं लिखा कि बकरे को ना काटें, बस ये लिखा है कि गाय को काटा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर ऐसा करके योगी सरकार मैसेज क्या देना चाहती है? जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर कोई चीज की किसी को आदत पड़ जाए चोरी छुपे करने की, तो उसको आगाह कर देना चाहिए इसके जरिए, एक शासन आदेश के जरिए या सरकार के द्वारा एक मैसेज कि ये प्रतिबंधित जानवर हैं, यहाँ पर ये नहीं काटे जाएंगे। और इसकी ईद का नाम है ईद उल अजहा, इसका और कोई नाम दूसरा नहीं है। बकराईद नाम की कोई चीज इस्लाम में नहीं है। ये जो हमारे यहाँ आस्था है गाय में लोगों की, जाहिर सी बात है गाय की लोग पूजा करते हैं यहाँ पर बहुसंख्यक हमारे भाई, इसलिए हमारे तमाम आलिम दीन चाहे विदेश के हों देश के हों, सबने कह रखा है कि इस तरह के कोई भी पशु नहीं काटे जाएंगे। बकरीद पर बकरे की बलि दी जाती है, ये सब जानते हैं, लेकिन बकरीद पर गाय की बलि भी दी जाती है ये योगी सरकार मानती है, वरना उसे यूं खुली चेतावनी देने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि गोवंश की कुर्बानी से परहेज करने की सलाह तो देवबंदी उलेमाओं ने भी जारी की है। यूपी सीएम के स्टेटमेंट का सवाल, उसको हम लोग वेलकम करते हैं, और ऑलरेडी हम लोग ये स्टेटमेंट पहले भी इशू कर चुके हैं कि जब से काय या ये गाय या इस किस्म के दूसरे जानवरों को लीगली बैन किया गया स्लॉटर होने से, तो आम दिनों की तरह मुसलमान बकरीद के मौके पर भी उसको हरगिज स्लॉटर ना करें, और ना मुसलमान करता है ना उसकी कुर्बानी करता है। एक लफ्ज़ होता है हर्षोल्लास, आप त्यौहार मनाइए, नमाज पढ़िए, बकरीद की जो नमाज होती है, कुर्बानी कीजिए जो जानवर कटता है,
इतने तक अगर सीमित रखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हर्षोल्लास का लफ्ज़ हट जाना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है हमारे साबिक वज़ीर आज़म के उसमें गमगीन है, तो मुल्क की जनता को भी चाहिए इसी तरीके से मैसेज दे कि मुल्क की जनता भी गमगीन है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही गौहत्या के खिलाफ कानून लागू है, ऐसे में सरकार का खास तौर पर यह कहना कि ईद के दिन गाय के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, ये विपक्ष को मौका दे गया है ये कहने का कि योगी सरकार जानबूझकर मुसलमानों की भावनाएं भड़काने के लिए ऐसे फरमान जारी कर रही है।